भीषण हादसा, हजारीबाग में कुएं में गिरी कार, 6 की मौत। हजारीबाग के रांची पटना रोड में पद्मा रोमी के पास मंगलवार की दोपहर 1 बजे एक कार के कुएं में गिर जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सुमो विक्टा पर 9 लोग सवार थे। सभी लोग हजारीबाग सदर प्रखंड के मंडई गांव के रहने वाले हैं। सुमो विक्टा का ड्राइवर दीपू गढ़ा का रहने वाला है। दरभंगा से लौटने के दौरान अपने गांव मड़ई पहुंचने से 20 किलोमीटर पहले पद्मा रोमी के पास उनकी सुमो विक्टा ने अनियंत्रित होकर पहले एक बाइक सवार को धक्का मारा, फिर बाइक सवार को घसीटते हुए सड़क के किनारे स्थित कुएं में समा गई। कुएं में पहले बाइक सहित सवार डूबा और पीछे से कार भी समा गई। इनकी हुई मौत। इस दुर्घटना में मड़ई निवासी डॉक्टर गणेश उर्फ ओम प्रकाश साव, परमेश्वर महतो, उनकी पत्नी चंपा देवी, बेटी परिधि कुमारी, गुंजन राणा और सुमो का ड्राइवर दीपू गढ़ा निवासी सूरज कुमार की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार सूरजपुरा की मुखिया सीताराम मेहता, सुमो विक्टा पर सवार मुकेश मेहता, गीता देवी और रामलखन गंभीर रूप से घायल हो गए। मुखिया सीताराम मेहता का इलाज आरोग्यम अस्पताल में किया जा रहा है, वहीं अन्य घायलों का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। जाली से ढका हुआ था कुआं, सड़क के किनारे कुआं जाली से ढका हुआ था। कार इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी कि बाइक सवार सूरजपुरा मुखिया सीताराम मेहता को धक्का मारते हुए जाली तोड़कर कुएं में जा गिरी। मुखिया और गाड़ी में सवार 9 लोगों को मिलाकर कुल 10 लोग कुएं में गिरे। हादसे के तुरंत बाद सीताराम और 2 लोग निकल गए। बाद में प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से 7 लोगों को निकाला गया। इनमें 6 लोगों की जान चली गई। दरभंगा के शांभवी आश्रम से लौट रहे थे मंडई गांव। दुर्घटना में मृत सभी लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु से आशीर्वाद लेने प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी दरभंगा के शांभवी आश्रम गए थे। वहां से अपने गाँव मंडई लौट रहे थे। लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ। मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग भी शामिल हैं। इनमें मड़ई निवासी परमेश्वर, उनकी पत्नी और बेटी शामिल हैं। पलक झपकते ही कुएं में गिरी कार, एक परिवार के 3 की मौत। हजारीबाग हिंदुस्तान टीम पद्मा के रोमी में मंगलवार को दरभंगा से वापस हजारीबाग लौट रहे कार के ड्राइवर को झपकी आ गई। जब तक ड्राइवर को नींद खुलती, ड्राइवर ने बुलेट को घसीटते हुए कार को कुएं में घुसा दिया। इससे 6 लोगों को मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को कुएं से निकाल लिया गया। मरने वालों में 5 लोग मड़ई के थे। इसमें एक परिवार के 3 लोग शामिल थे, वहीं ड्राइवर दीपू गढ़ा का रहने वाला था। इधर हादसे के बाद मड़ई के लिए मंगलवार को मातम पसरा रहा। सबसे बड़ी दुखद बात, इसमें एक ही परिवार के 3 लोग जिनमें पिता, पुत्री और पत्नी शामिल है। पद्मा में जब एक एक कर जब शव निकाले जा रहे थे तो लोगों को दिल भर आ रहा था, कैसे हंसते खेलते पूरा परिवार उजड़ गया। परमेश्वर महतो खुद इस घटना के शिकार हो गए। उनकी पत्नी चंपा देवी उम्र 35 वर्ष की मौत हो गई, वहीं उनकी बेटी परिधि जिसकी उम्र 10 वर्ष, उसकी भी मौत हो गई। इसके अलावा ओम प्रकाश गुप्ता और गुंजन राणा भी मड़ई के रहने वाले थे। वहीं मृतकों में एक दीपू गढ़ा का रहने वाला सूरज सिंह का शव निकाला गया। सबों के घर बड़ी विपत्ति आन पड़ी। मरने वालों के घरों में मातम का पसर चुका है। हर कोई नियति को कोस रहा था। घटना की खबर जैसे ही मड़ई पहुंची, लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पद्मा से लेकर अस्पताल तक और उसके बाद मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाने पूरा गांव उमड़ पड़ा। इस घटना में मड़ई के गणेश साव और गुंजन राणा समेत परमेश्वर के परिवार के 3 सदस्य का अंतिम संस्कार मंगलवार की रात मड़ई खुर्द के मुक्तिधाम में कर दिया गया। खबर लिखे जाने तक अंतिम संस्कार हो रहा था। दुर्घटना की खबर के बाद से देर रात तक कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल पाया था। हादसे के बाद ग्रामीणों का हुजूम उमड़ा। हादसे की सूचना के बाद ग्रामीणों का हुजूम घटनास्थल पर उमड़ पड़ा। इससे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में दिक्कत भी हुई। इस बीच जोरदार बारिश भी होने लगी, इससे भी कुछ देर तक बचाव कार्य बाधित हुआ। पद्मा पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी से मशक्कत महिला समेत 4 लोगों को बाहर निकाली। सीताराम मेहता की हालत बिगड़ती देख लोगों ने उन्हें इलाज के लिए HMCH में भेजा। इनके साथ टाटा विक्टा से निकाले गए 3 लोगों को भी इलाज के लिए भेजा गया।